हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुप कुमार, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कैमूरी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ वीवो Y11 और वीवो U10 स्मार्टफोन को। और यदि आपके मन में सवाल है कि मैं क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस कंपैरिजन करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इन दोनों का जो प्राइस है वह यहाँ पर काफ़ी सेम है। दोनों का प्राइस यहाँ पर 10,000 रुपये है। और दोस्तों, यह जो पूरा वीडियो है, मैं इसका टाइटल रखने वाला था कि बेस्ट वीवो स्मार्टफोन अंडर 10,000, मगर मैंने जब देखा कि ये दोनों स्मार्टफोन जब एक ही प्राइस पर यहाँ पर जो है परचेज करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है इसके बारे में बताया जाए कि जो दोनों स्मार्टफोन, इसमें आप कन्फ्यूज ना हो, कोई भी मिस्टेक ना करें स्मार्टफोन परचेज करने में और आप एक बेहतर स्मार्टफोन चूज करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि आपको जो है यहाँ पर लाभ हो, किसी तरह से आपको कोई घाटा ना हो और आप कोई भी स्मार्टफोन लेकर जो है आप पछताए नहीं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कंपैरिजन करने से पहले क्यों ना इन दोनों के जो है फीचर्स को आप एक बार से जान लीजिए, ताकि आपको जो है कंपैरिजन जब मैं करूँगा तो उसमें आप जो है आप अपना जो है क्लियरली यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और आप जो है साफ तौर पर यहाँ पर अपना डिसीजन देख पाएंगे और मेरा कंपैरिजन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर वीवो Y11 स्मार्टफोन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको 6.35 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसमें जो है रियर कैमरे में आपको 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का जो है डुअल कैमरे का सेटअप और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का जो है कैमरा देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें जो है आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 439 जो है प्रोसेसर यूज किया गया है और इसमें आपको 3 GB की रैम और 32 GB का यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें बैटरी की, तो बैटरी इसमें जो है आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये हो गई एक ओवरऑल जो है फीचर्स की जो है लिस्ट यहाँ पर, जो कि आपको वीवो Y11 में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वीवो U10 के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको 6.53 इंचेस का ही HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको जो है 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल 3 कैमरे का सेटअप यहाँ पर आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा और फ्रंट में जो है आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 665 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बात करें इसमें अगर रैम की, तो इसमें जो है आपको 3 GB की रैम और 32 GB का यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। बैटरी की अगर बात करें, तो बैटरी आपको जो है 5000 mAh की देखने को मिलने वाली है और आपको जो है 18W का फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें सपोर्ट होगा। और दोस्तों, बॉक्स में ही आपको जो है 18W का जो है यहाँ पर चार्जर मिलने वाला है। तो ये हो गई सारी दोस्तों जो है फीचर्स की लिस्ट, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर कंपैरिजन करने वाला हूँ और मैं कंपैरिजन उन्हीं चीज़ों करूँगा जिसमें आपको जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा और जिसके वजह से मैंने जो है इन दोनों में से किसी एक को पिक किया है। और आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि इन जो मैं पिक करूँगा, आप जो है आपको क्लियरली आप देख पाएंगे कि मैंने क्यों उसको पिक किया है और क्या उसमें बेनिफिट है। तो दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले जो है डिस्प्ले की, तो यार इसमें दोनों में ही आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो अच्छी बात है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें कैमरे में, तो कैमरे में जो है यहाँ पर आपको एक कैमरा एक्स्ट्रा मिलता है वीवो U10 स्मार्टफोन में। यानी कि दोस्तों, आपको जो है Y11 में डुअल कैमरे का सेटअप और जो U10 है इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लेटेस्ट लुक आपको देने वाला है। दोस्तों, एक्स्ट्रा फीचर जो कि 8 मेगापिक्सल जो कैमरा है वह एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, यानी कि आपको जो है एक एड ऑन फीचर उसमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी लेटेस्ट जो स्मार्टफोन में भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के मामले में भी जो है ये दोनों प्रोसेसर में से जो स्नैपड्रैगन 665 जो कि U10 में यूज हुआ है वह यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है 439 से। यानी कि आपको जो है गेमिंग परफॉर्मेंस, नॉर्मल यूजिंग परफॉर्मेंस और जो है मल्टीटास्किंग में भी यहाँ पर आपको वीवो U10 जो है U10 आपको जो है ज़्यादा अच्छी जो है परफॉर्म यहाँ पर देने वाला है। तो ये हो गई सारे दोस्तों ये सब बातें। अब आगे बात करते हैं इसमें बैटरी की, तो बैटरी इसमें दोनों तो सेम ही मिलता है, लेकिन जो आपको फास्ट चार्जिंग है वह दोस्तों यहाँ पर सिर्फ U10 में ही देखने को मिलेगा, जो कि 18W का यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट जो है ब्रिक आपको देखने को मिलता है। यह यहाँ पर काफ़ी जो है प्लस पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आपने, ओवरऑल जो है सारी चीज़ें यहाँ पर दोनों में U10 जो है Y11 का सारा फीचर ले लिया है, उसको जो है इसमें हर चीज़ है। और उसके बाद भी इसमें जो है ऐसे कई सारे फीचर जो कि इसको ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा जो है वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों यहाँ क्लियरली विनर है वीवो U10।
अब दोस्तों ये सारी कंपैरिजन हो गई। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो स्मार्टफोन है अंडर 10,000 आपको जो है बेस्ट स्मार्टफोन यहाँ निकल कर आया है। इसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इसका टाइटल यही रखने वाला था, लेकिन जो है अभी मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है थोड़ा कंपेरिजन कर लिया, तो आपको जो है ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कि यह स्मार्टफोन क्यों जो है इतना अच्छा है 10,000 के अंदर में। तो दोस्तों ये है सारी बातें, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं दोस्तों सभी चीज़ जो भी बतलाता हूँ काफ़ी सिंपल वे में यहाँ पर रखता हूँ, तो ज़रूर वीडियो को मेरे जब देखिए तो पूरा देखा करें ताकि जो है आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ जाए। तो यदि आपको सुझाव तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए।